दंतेवाड़ा अनियमित कर्मचारी संघ द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारी आए और सम्मेलन के माध्यम से अनियमित कर्मचारी संघ ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और अनियमित कर्मचारी की रिक्त पदों की सीधी भर्ती की जाए तथा बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग बंद कर 1,00,000 पदों पर भर्ती की जाए उपरोक्त मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ साझा करने की बात कही। पूरे प्रदेश में अनियमित कर्मचारी संघ 1,80,000 हैं। अनियमित कर्मचारी संघ अपने सम्मेलन के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस के बड़े नेता सभा स्थल पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि आप लोगों की मांगे हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। देखिए, हम अनियमित कर्मचारी जो है पूरे राज्य भर में 1,80,000 कर्मचारी है, जिसकी प्रारंभिक कड़ी जो सबसे शुरुआती आंदोलन का जो सिलसिला चालू हुआ है उसको नई गति देने का काम ये धंधे आया है कि उन्होंने किस तरीके से इस जंग को लड़ के अपने दम पर यहाँ कर्मचारियों की वापसी की है, जिसमें मूलतः खनिज न्यास के जो कर्मचारी हैं जिनको सेवा से पृथक कर दिया गया था उनके लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है ये हमारे पूरे राज्य में मिसाल बने और उनके इस प्रयास की तरह पूरे राज्य में हम अनियमित कर्मचारियों की छट्टी को रोकेंगे और उनको नियमितीकरण के द्वार तक पहुंचाएंगे। मगर देखने में तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कि आपके समर्थन में कोई देखिए हमारी आवाज हम चाहते हैं हमारी आवाज शासन के कानों तक पहुंचने के लिए जो माध्यम हमने तय किया है उन पर हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो समय पे उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि जो राजनेता हैं उनके समय के अनुसार हमारा कार्यक्रम निर्धारित है और ये प्रारंभिक चरण है, उसको हमारे संख्या बल से उसको भान है और वो जरूर आएंगे। मुख्य चुनाव में क्या माने कि आपका ये जो आज मिलन समारोह है क्या एक शक्ति प्रदर्शन टाइप का है? देखिए, हमारा उद्देश्य नियमितीकरण है। नियमितीकरण के जो भी पथ हमें मंजिल तक पहुंचाती है वो सारे कदम हम उठाने के लिए तैयार हैं और इसमें चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो हम अपने संख्या बल का उपयोग करेंगे और जो हमारे हितों में सोचता है उसके बारे में हम भी सोचेंगे। राज्य भर में कितनी संख्या बल है आपके? लगभग 1,80,000 कर्मचारी हैं, जिसमें हर परिवार में 10 सदस्य हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हमारे पास 18,00,000 कर्मचारियों के परिवार की शक्ति है और हम सब एकजुट हैं।